तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर आए दिन कोई न कोई खबर सामने आती रहती है। कभी शो में किसी नई एंट्री को लेकर तो कभी किसी एक्टर के शो छोड़ने को लेकर। दयाबेन के किरदार को दर्शक बहुत मिस कर रहे हैं और दिशा वाकानी के लौटने का भी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब दिशा के लौटने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि दयाबेन की वापसी हो रही है। खबरों की माने तो अब इस फेमस किरदार के लिए एक्ट्रेस की तलाश पूरी हो गई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी ने हाल ही में बताया था कि दयाबेन के रोल के लिए किसी एक्ट्रेस की तलाश जारी है। इसके लिए ऑडिशन भी हुए हैं। जूम टीवी के रिपोर्टर की माने तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या सखुजा का नाम सबसे पहले शॉर्टलिस्ट हुआ है। दयाबेन के लुक टेस्ट में उन्हें पसंद किया गया है। नई दयाबेन ऐश्वर्या सखुजा। लंबे समय से दर्शकों की मांग को देखते हुए शो मेकर्स भी नई एक्ट्रेस की तलाश में जुटे थे। अब ऐश्वर्या सखुजा नई दयाबेन के किरदार में नजर आएंगी तो लंबे समय के बाद दर्शकों को दयाबेन के दर्शन होंगे। हालांकि इस बारे में ना तो ऐश्वर्या और ना ही मेकर्स की तरफ से किसी तरह की ऑफिशियल जानकारी आई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से पिछले दिनों शैलेश लोढ़ा ने भी विदाई ले ली और दूसरे शो में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टप्पू का किरदार निभा रहे राज अनादकट भी नजर नहीं आ रहे हैं। लंबे समय से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इस शो में नए चेहरे कितने खरे उतरेंगे ये उनकी एंट्री के बाद ही पता चल पाएगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।